हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी। आज मैं आपको चने की दाल की भाप बड़ी बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाली। चलिए चलते हैं बनाने के लिए। और मैं आपको आपको सब पता ही है कि मेरी सारी इजी और सिंपल रेसिपीज़ होती है, जो घर के मसाले और घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उन चीज़ों से बन जाती है आसानी से। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। मैंने ये चने की दाल को भिगो लिया था 3 घंटे के लिए अच्छे से धोकर। अब मैं क्या करूँगी, एक मिक्सी ग्राइंडर लूँगी, एक जार लेना है हमें, और जार में ये दाल हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको पीसना है। चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे की रेसिपी। देखिए फ्रेंड्स, दाल मैंने पीस ली है। चलिए मैं आपको दिखा लेती हूँ, ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होगी। अब मैं इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आपको ध्यान देना है सारे दाल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर कुछ मसाले मिलाते हैं। देखिए मैंने हरी मिर्चें काट के रख ली थी, वो डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, थोड़ी हम बाद के लिए रख लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा गार्निश करने के लिए रख लेंगे। फ्रेंड्स, आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी कट करके डाली है, इसका ध्यान रखते हुए। अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप खाली लाल मिर्च की भी बना सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, नमक को भी हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी में भी नमक आएगा। अब इसको मिलाएंगे हाथों से, अच्छे से मिलाएं। ये देखिए इसको साइड में रख देंगे हम। एक भगोने में पानी ले लिया है मैंने, अब इसमें खद्दा आ जाएगा, उबाल आ जाएगा। हम एक स्टीमर रख देंगे इसके ऊपर, इस तरह से सुराख सुराख वाली छन्नी लेंगे और इसको इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ चुका है इसके अंदर। देखिए भाप उठते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसके ऊपर इसको रखेंगे और देखिए ये भाप बड़ी लेंगे और इस तरह से एक गोल शेप में इस तरह से उठाएंगे एक भाप बड़ी को इस तरह से, और आप जितना छोटा चाहे बना सकते हैं। इस तरह से एक एक उठाते जाएंगे और इस तरह से रखते जाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, आप इनको चम्मच से भी रख सकते हैं, लेकिन हाथों से ज़्यादा अच्छे से रखी जाएंगी। देखिए इस तरह से आपको भाप अब भी दिखाई दे रही होगी निकलते हुए, ये भाप में बनती है इसलिए इनको भाप बड़ी बोलते हैं। इसको ऊपर से रख देंगे, इसको इस तरह से ढक देंगे और इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको इन्हें खोल कर दिखा देती हूँ। देखिए पूरे 10 मिनट बाद भाप बड़ी कितने अच्छे से हो चुकी है, ये देखिए आसानी से इजली ऐसे उतर जाएंगी। और मैं ये सारी उतार लेती हूँ इसी तरह से। फ्रेंड्स, पूरे टाइम देख के आपको 10 मिनट के लिए इनको बनाना है, 10 मिनट में ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगी। अब इनको मैं सबको निकाल लेती हूँ और दूसरी भाप बड़ी मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इनको निकाल लेती हूँ, इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। बाकी की मैं बना लेती हूँ, बाकी की भी हमें इसी तरह से रखनी है, इसी तरह से बनाते हुए 10 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, इनको भी ढक देंगे और इनको भी बनने देते हैं 10 मिनट। ये सारी भाप बड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे जल्दी से और मैं आपको दिखाती हूँ आगे की रेसिपी। कढ़ाई ले, हेलो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई ले लिया और मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा इसमें अंदर जीरा डाल देंगे, जीरा थोड़ा सोटे करेंगे। अब हम तेल के अंदर प्याज डाल देंगे बारीक चॉप कटी हुई, उसको हल्के हल्के से फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन कलर होने तक। देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, बस हल्का सा ही चेंज करना है। अब एक चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी इसके साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे।
के कच्चापन निकलने तक इसको अच्छे से भूनना है हमें। अब इसके अंदर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, चम्मच हल्दी डालेंगे, आधे चम्मच से थोड़ी कम, एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच भर के सब्जी का मसाला डालेंगे जो मैंने बनाया है। आपको मैं इसकी रेसिपी भी दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मसाला कितने अच्छे से भुन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से मसाला भुन चुका है। हमने जो ये भापड़ी बनाई थी, ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारी एक साथ। देखिए इस तरह से, और इनको भून लेंगे 2 मिनट इनके साथ भून लेंगे इनको मसाले के साथ। खाऊंगी इसलिए मैं एक गिलास इसके अंदर पानी डाल दूंगी। फ्रेंड्स, एक गिलास पानी इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसमें खद्दा लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके इसको पकते हुए। हम इसको ठीक टाइम देख के 5 मिनट पकाएंगे और ये बिल्कुल भी नहीं घुलेंगी अगर आप मेरे बनाए तरीके से बनाएंगे तो। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट इसको हो चुके हैं बिल्कुल पकते हुए। बस अब हम गैस की लो फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, बनकर बिल्कुल तैयार है हमारी पापड़ी। अब हम इसको ढक देंगे। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनी है। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया बनी है और इतनी अच्छी खुशबू भी इसके अंदर से आ रही है, क्योंकि मैंने जो सब्जी का मसाला डाला था उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने में। मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।